अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है पिज़्ज़ा के हवाले से। पिज़्ज़ा, जी हाँ, पिज़्ज़ा तो मतलब सभी खाते हैं, बहुत पसंद भी होगा आपको। और कराची में मुख्तलिफ पिज़्ज़ा शॉप्स पे मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अनोखे पिज़्ज़ा के बारे में बताऊँगा जिसे खारादर की फूड स्ट्रीट पर वाक़ एक रेस्टोरेंट में तैयार किया जाता है। और रेस्टोरेंट ऑनर की जानब से इस पिज़्ज़ा को जो है वो लावा पिज़्ज़ा का नाम दिया गया है, लेकिन मैं इसको सैंडविच पिज़्ज़ा कहूँगा क्योंकि ये पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो एक इसमें बेस में लगी होती है और एक डो जो है वो ऊपर से रखी जाती है और बीच में जो है वो पिज़्ज़ा का तमाम स्टफ होता है। तो मैंने इसको सैंडविच पिज़्ज़ा का नाम दिया है। तो आइए देखते हैं कि सैंडविच पिज़्ज़ा की तैयारी किस तरह होती है। तो सबसे पहले सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो डो होती है इसके ऊपर सॉस लगाया जाता है, और ये सॉस चूँकि इनका स्पेशल सॉस है तो इसमें इन्होंने नहीं बताया कि सॉस के अंदर क्या मिलाया जाता है। सॉस लगाने के बाद तमाम जो डो होती है उसके ऊपर चिकन, जो पहले से तैयार शुदा चिकन होती है, उसको अच्छी तरह से बिछा दिया जाता है। और चिकन डालने के बाद चिकन के ऊपर ऑलिव्स, जलपीनो और दीगर जो वेजिटेबल्स हैं उनको डाला जाता है टॉपिंग करने के लिए। और इस सारे प्रोसेस के बाद बारी आती है सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट की, यानी कि चीज़। चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़ा नामुकम्मल है। क्रश की हुई चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर एक मरतबा फिर सॉसेस डाले जाते हैं, और सॉसेस डालने के अमल के बाद इसको जो है मुख्तलिफ किस्म के मसाले और चिली फ्लेक्स जो है डालने के बाद डो की मदद से ढक दिया जाता है। सैंडविच पिज़्ज़ा को ऊपर से कवर करने के बाद एक मरतबा फिर सॉसेस डाले जाते हैं ताकि जो है इसमें थोड़ा सा चीज़ी जो है वो लुक आए पिज़्ज़ा का, और सॉसेस को अच्छी तरह से जो है वो इस पर लगा दिया जाता है ताकि जो है वो टॉप जो है डो की पूरी तरह से कवर हो जाए। तमाम सॉसेस को डो के ऊपर स्प्रेड करने के बाद क्रश की हुई चीज़ एक मरतबा फिर टॉप पे डाली जाती है, टॉपिंग की जाती है चीज़ की अच्छी तरीके से। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब ये 400 रुपए का जो पिज़्ज़ा है, और मैं देख के हैरान रह गया कि इसमें कितना जो है वो इन्होंने स्टफ डाला है और कितनी सारी जो है वो चीज़ इसके ऊपर लगाई है। ये यकीनन मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। बहरहाल एक दफ़ा चीज़ के ऊपर दोबारा फ्लेवर डाला जाता है और चिली फ्लेक्स से जो है वो ऊपर से इसकी टॉपिंग की जाती है। यहाँ पर ये पिज़्ज़ा तैयार है। अब बस इसको ले जाके ओवन में रखने वाला काम। ओवन में रखने के बाद जो है वो पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ वेजीज़ हैं इसके अंदर, चिकन है, जो इसके अंदर फ्लेवर्स मसाले हैं वो हैं, इसके अलावा यहाँ पे कैप्सिकम है, जलपीनो है, ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स के साथ चिली फ्लेक्स हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके अलावा जो सॉसेस हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जी तकरीबन पिज़्ज़ा तैयार है, बस इनको अब ओवन में रखना है, और अब देखते हैं इनको ले जाके ओवन में रखते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा जो है वो इनका लुक आता है। अभी देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और ये फुली लोडेड पिज़्ज़ा है, सैंडविच पिज़्ज़ा। तो बस अब इसको ओवन में ले जाके रखते हैं। ये फैज़ान इसको ले जाके ओवन में रखने वाले हैं, और ये देखें जी ये पिज़्ज़ा जो है इन्होंने ओवन में रख दिए हैं, और इस पर एक मखसूस टेम्परेचर सेट किया है इन्होंने और ओवन को बंद कर दिया है। लीजिए जी, सैंडविच पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और फैज़ान जो है वो इसको निकाल कर ओवन से बाहर रख रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि सैंडविच पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के बाद किस तरह जो है वो किस तरह से लग रहा है। और ये देखने में तो बहुत ही यमी और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और खाने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि
इसका टेस्ट कैसा है और ये कितना जो है वो, मुझे तो बहुत यमी लग रहा है देखने में और अमेजिंग लग रहा है। बहरहाल इसको अब हम टेस्ट करेंगे और कुछ लोगों से भी पूछेंगे कि उनको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। यार ये लावा है, जलजला है, जो भी है, बड़ा शानदार है, कमाल है, कमाल है। क्या बोल रहे हैं, लावा है, जलजला है, क्या है? लावा है या जो भी है, मेरे अंदर जलजला आ गया है, मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा अपना जाती ख्याल है कि 400 रुपए में इससे बेस्ट पिज़्ज़ा जो है वो आपको पूरे कराची में कहीं नहीं मिल सकता, जिसमें इतनी सारी चीज़ और इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट हो। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।